देश में 6 बार से नंबर 1 पर रहने वाले इंदौर की हवा भी देश भर में सबसे साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर ने एक बार फिर से देश भर में प्रदेश का मान बढ़ाया है। इंदौर शहर ने स्वच्छता में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। शहर की हवा भी अब देश में सबसे साफ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर इंदौर को रखा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने 200 में से 187 अंक हासिल कर के अव्वल ऊंचाई हासिल की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर बना नंबर 1। देश में सबसे साफ हवा इंदौर की है। इंदौर ने 200 में से 187 अंक हासिल किए। आगरा दूसरे और ठाणे तीसरे स्थान पर रहा। भोपाल 5वें, जबलपुर 13वें, ग्वालियर 41वें नंबर पर। छोटे शहरों में देवास 6 नंबर पर। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नंबर 1 181 अंक के साथ भोपाल 5वें स्थान पर रहा। 172 अंक के साथ जबलपुर 13वें स्थान पर। 114 अंक के साथ ग्वालियर 41वें स्थान पर। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि इसके लिए इंदौर में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के कारण इंदौर हुआ अव्वल। सड़कों की मैकेनाइज स्वीपिंग पद्धति से निरंतर सफाई, धूल के कण वातावरण में मिलने से रोके गए, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का संग्रहण किया गया, निपटान और परिवहन के लिए उचित व्यवस्था, वाहनों को टार पोलिन से ढककर ले जाना अनिवार्य किया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ग्रीन नेट से कवर करना अनिवार्य, पारंपरिक कोयले लकड़ी से जलने वाले तंदूर को स्वच्छ और ग्रीन ईंधन से परिवर्तित किया गया, जन जागरूकता अभियान चलाया गया, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ नियम लागू किया गया, लोगों को वायु प्रदूषण के प्रभावों के प्रति जागरूक किया, निर्माण सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों पर नियम बनाया, शहर सीमा में रात में आने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बताते चले कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के साथ ही साथ इंदौर 6 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी इंदौर नगर निगम को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है, जो कि न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है, साथ ही साथ सीखने के लिए भी प्रेरित करने वाली बात है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब आपको